गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज डेरिवेटिव्स। सबसे पहले जो ये टर्म है डेरिवेटिव्स, इसका क्या मीनिंग होता है? जर्नल अगर हम इसका मीनिंग देखें तो डेरिवेटिव्स जो वर्ड बना है वो बना है डेराइव्ड से, मतलब जब आप किसी चीज़ से कोई चीज़ डेराइव कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ निकाल रहे हो तो उसे हम डेराइव करना कहते हैं। तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ से जो चीज़ निकली है उस चीज़ को हम डेरिवेटिव्स कह रहे हैं। वो जो ओरिजिनल चीज़ है जिससे निकली है वो अंडरलाइंग एसेट जो टर्म है हम उसके लिए यूज़ करते हैं। सपोज एग्जांपल, जैसे आपका दूध है, दूध से आपने दही निकाला या पनीर निकाला, जो दूध है दैट इज़ अंडरलाइंग एसेट और जो दही आपका निकला दैट इज़ डेरिवेटिव। तो जो दूध है और जो दही है दोनों का जो प्राइस है कैसे रिलेट करेगा? दूध का प्राइस इंक्रीज होगा तो आपकी दही का प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो डेरिवेटिव्स क्या है? वो एसेट जब हम फाइनेंशियल टर्म्स में इसे देखते हैं तो डेरिवेटिव्स को हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि वो ये वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या वो प्रोडक्ट है जिसका जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उस अंडरलाइंग एसेट के ऊपर जिससे वो डेराइव हुआ है। ठीक है, अब वो जो अंडरलाइंग एसेट है वो कुछ भी हो सकती है। वो अंडरलाइंग एसेट कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, जैसे कि कोई कमोडिटी भी हो सकती है, जैसे वीट हो गई, शुगर केन हो गई, सोयाबीन हो गया, या फिर कोई फाइनेंशियल एसेट भी हो सकती है जैसे शेयर्स हो गया या स्टॉक्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए या आपके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। कोई भी जो एसेट है वो आपकी अंडरलाइंग एसेट हो सकती है। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब वो प्रोडक्ट जिसका प्राइस डिपेंड करता है या डेराइव किया गया है एक या एक से ज़्यादा अंडरलाइंग एसेट से, इंडेक्स से या रेफरेंस रेट से। उस अंडरलाइंग एसेट में कोई इक्विटी हो सकती है, एसेट जो है अंडरलाइंग वो कोई इक्विटी हो सकती है, फॉरेक्स हो सकती है, कमोडिटी हो सकती है या कोई और अदर एसेट भी हो सकती है। अब जैसे हमने बात की कि जो डेरिवेटिव है वो क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले जब हम डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की अगर बात करें तो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इसकी ट्रेडिंग इंडिया में कमेंस हुई थी जून 2000 में, जब सेबी ने इसे फाइनल अप्रूवल ग्रांट की थी। एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिला था इन एडिशन टू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट लोगों को। तो जो NSE और BSE है उन्हें परमिट किया गया कि वो ट्रेड कर सकते हैं डेरिवेटिव्स में। अकॉर्डिंगली NSE और BSE ने और उनके जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से उन्होंने कमेंस की इसमें ट्रेडिंग और सेटलमेंट अप्रूव डेरिवेटिव सेगमेंट में। जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो इंडेक्स फ्यूचर्स था जिसमें ट्रेडिंग अप्रूव की सेबी ने। उसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू हुई S&P, CNX, NIFTY और BS30 सेंसेक्स इंडेक्सेस में। साइमल्टेनियसली ऑप्शंस शुरू हुए इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ में। इन नवंबर 2001 में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए लॉन्च हुए। तो डेरिवेटिव्स का मीनिंग हम यहाँ पे कर चुके हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं डेरिवेटिव्स की। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन एक्ट 1956 सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव्स का मतलब है एक सिक्योरिटी जो आप डेराइव्ड कर रहे हो किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से, शेयर से, लोन से, चाहे वो सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, रिस्क इंस्ट्रूमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट से, डिफरेंस के लिए या फिर किसी एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी में। देन एक कॉन्ट्रैक्ट जो डेराइव कर रहा है अपनी वैल्यू प्राइजेस, इंडेक्स ऑफ प्राइजेस या प्राइजेस और इंडेक्स ऑफ प्राइजेस किसके? अंडरलाइंग एसेट के। थर्ड कमोडिटिव डेरिवेटिव और फोर्थ सच अदर इंस्ट्रूमेंट जिसे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हो एज अ डेरिवेटिव, तो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। अब सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए डेरिवेटिव्स क्या है, उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें डेरिवेटिव क्या है तो सपोज आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी दो पर्सन्स थे। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ
कि बी के पास सपोज वीट है, बी वीट उगाता है और ए जो है ए को वीट की ज़रूरत है एक महीने बाद। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि मैं एक महीने बाद आपसे 500 बैग्स जो हैं वीट के वो खरीदूंगा, और बी ने कहा कि मैं आपको बेचूंगा 1000 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से। तो ये जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया एक दूसरे के साथ, उन्होंने रिटर्न में इस चीज़ को ले लिया। तो वो जो रिटर्न में हुआ चीज़, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपका रिटर्न में हुआ वो डेरिवेटिव है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है डेरिवेटिव। और ये जो अब ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका डेरिवेटिव बना, अब आप किसी को अगर जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को बेचना चाहते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप बेच सकते हो, लेकिन दूसरा जो पर्सन है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को जब खरीदेगा तो किस प्राइस पे खरीदेगा। आपने जो उसमें रेट लिखा है, आपने लिखा कि 500 जो बैग्स हैं वो आप खरीदोगे बेचोगे 1000 रुपीज़ क्विंटल के हिसाब से, और हम कहते हैं कि एक बैग में एक क्विंटल है, मतलब 500 क्विंटल 1000 रुपीज़ के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो वो जो प्राइस है वीट का वहाँ पे जो आपने दिया 1000 रुपीज़ पर क्विंटल, वो प्राइस किसका है? वो प्राइस है वीट का। फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वीट के प्राइस को इंक्रीज होने की एक्सपेक्ट कर रहे हो या डिक्रीज होने का एक्सपेक्ट कर रहे हो? उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या होगी। कि अगर आप फर्दर मार्केट में जाके उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, डेरिवेटिव को किसी को बेचना चाहते हो तो वो उसे कितने प्राइस में खरीदेगा या कितने प्राइस में आप बेचोगे, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। वीट का प्राइस फ्यूचर में 1000 रुपीज़ क्विंटल से इंक्रीज होगा, मतलब 1000 रुपीज़ आज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फ्यूचर में वो 1000 से ज़्यादा 2000 हो जाएगा या 1000 से कम होके 500 हो जाएगा। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव की वैल्यू। देन नेक्स्ट हम आते हैं हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। जो हमारा फर्स्ट करेक्टरिस्टिक दैट इज रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स। डेरिवेटिव्स क्या है? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टीज के बीच में, बायर और सेलर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा एक्सपायरेशन डेट और मैच्योरिटी डेट। अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल किया ए और बी वाला, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने अगर हमने देखा कि जो ये हमने अभी एग्जांपल किया ए और बी वाला, आपने उसमें देखा कि हमने इसमें फ्यूचर डेट लिखी है। फ्यूचर के लिए हमने बोला है कि एक महीने बाद आप 500 बैग्स जो हैं 1000 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से खरीदोगे और बेचोगे। तो फ्यूचर के लिए हमने किया, प्राइस जो है वो हमने आज डिसाइड कर लिया कि किस प्राइस पर आप उसे खरीदोगे या बेचोगे। तो फ्यूचर के लिए है एट अ प्री डिटरमिंड प्राइस। तो वो जो फ्यूचर डेट है, जिस डेट को आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और जिस डेट को आपने उसे इम्प्लीमेंट करना है फ्यूचर में, उस टाइम पीरियड के अंदर आप उस डेरिवेटिव का जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो बेनिफिट है वो आप उठा सकते हैं कि आपने उसे आगे फर्दर बेचना है या आपने उसे होल्ड करके रखना है। और जब वो आपका पीरियड ख़त्म हो जाएगा, आपने कहा कि एक महीने बाद मैं उसे खरीदूंगा या बेचूंगा, तो जब वो एक महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अगर आपने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया एक महीने के अंदर अंदर, या उस पर्टिकुलर डेट को जब एक महीना कंप्लीट हो रहा है उसके बाद, उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो हर एक जो ये डेरिवेटिव है उसकी एक्सपायरेशन डेट होती है, मैच्योरिटी डेट होती है, जिसके बीच में या जिस पर्टिकुलर डेट को आपको जो वो राइट मिली है कि आपने खरीद या बेच सकते हो वो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है वैल्यू। जो वैल्यू है डेरिवेटिव की, जैसे जैसे जो एक्सपायरेशन डेट है, मैच्योरिटी डेट है, वो पास आती जाती है, जो वैल्यू है डेरिवेटिव की वो कम होती जाती है। रीज़न बीइंग, जैसे जैसे पास आती जाएगी डेट तो आप ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो वैल्यू होगी अंडरलाइंग एसेट की वो कितनी रहने वाली है। सपोज़ अगर मेरी एक्सपायरेशन डेट जो है आपके
प्रोडक्ट की, आपके जो डेरिवेटिव है उसकी, उसमें अभी एक महीना पड़ा है, तो मैं ज़्यादा ईज़िली, मैं ज़्यादा परफेक्टली अंदाज़ा नहीं लगा पाऊँगी कि जो प्राइस है वो इन कितने से इंक्रीज़ होगा या कितने से डिक्रीज़ होगा. लेकिन अगर उसकी डेट सिर्फ कल रह तक रह गई है और पिछले 29 दिन में मुझे पता है कि मैं इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं देखते हुए अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि कल वो इंक्रीज़ होने वाली है या डिक्रीज़ होने वाली है. तो जितना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा अंदाज़ा लगाने का, उतनी ज़्यादा जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है, और जितना कम अंदाज़ा आपको मिलता है टाइम लगाने का, उतनी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, और जो वैल्यू है वो डेराइव्ड होती है वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट से. देन आता है काइंड्स और टाइप्स. डेरिवेटिव्स को हम बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, फ्यूचर्स अलग हैं और फॉरवर्ड्स अलग हैं. कंसेप्ट एक ही होता है बट स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज का डिफरेंस होता है. देन ऑप्शंस हैं और देन स्वैप्स हैं. जो अंडरलाइंग एसेट है वो कोई भी फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, इक्विटी हो सकती है, कमोडिटी इंडेक्सेस एक्सेट्रा हो सकते हैं. नेक्स्ट इज लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड लो रिस्क. जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका स्टैंडर्डाइज टाइम होता है तो उनमें रिस्क कम होता है, और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है डेरिवेटिव्स में वो भी कम होती है, और इसीलिए वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं. देन नेक्स्ट इज हेजिंग और स्पेक्यूलेटिंग. आप जो डेरिवेटिव्स हैं उनको अपना रिस्क कम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और प्रॉफिट कमाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. देन रिलेशनशिप. जो रिलेशनशिप है वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव और वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट के बीच में, वो पॉजिटिव है. वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट अगर इंक्रीज करेगी तो जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगा. सेटलमेंट की बात करें तो बोथ फिजिकल एंड कैश सेटलमेंट्स पॉसिबल है डेरिवेटिव्स में. फिजिकल सेटलमेंट का मतलब है कि एक्चुअल में वो जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी डिलीवरी होगी, जबकि कैश सेटलमेंट की बात करें तो सिर्फ जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो और जो प्रॉफिट का डिफरेंस है सिर्फ कैश में, वही हैंड्स जो हैं वो एक्सचेंज करेगा. एग्जांपल हम कहें कि सपोज आपने ये जो 500 बैग्स का हमने कहा कि जो प्राइस था 1000 था, 1000 में आपने कहा था आप लोगे, लेकिन वो प्राइस आके जाके 2000 हो जाता है, या हम कहते हैं कि 2500 हो जाता है, 1000 एंड 2500, 1500 का डिफरेंस आया. या तो आप कर सकते हो कि जब मैच्योरिटी आए आप 1000 में आपने खरीद लिए, 500 बैग्स आपके पास आ गए, या फिर आप क्या कर सकते हो कि 1000 और 2500, 1500 इंटू 500 बैग्स, तो उतना जो प्रॉफिट है जो डिफरेंस का खाली 1500 के हिसाब से जितना आपको प्रॉफिट आपने अर्न किया उसके हिसाब से आप सिर्फ कैश में वो प्रॉफिट लेके जो ट्रांजैक्शन है, जो ट्रेड है, उसे सेटल कर सकते हैं. तो इसके साथ ये जो टॉपिक था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेरिवेटिव्स वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.